अपनी अपनी बाइबल, अपनी अपनी कॉपी पेन को उठाओ, हाथ में उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ। उठाओ उठाओ, ऐसे हिलाओ, साथ में अपनी डायरी पेन भी लो, देख लो। हम में से कई लोग पढ़े हैं पर आराम से बैठे हैं। अगर जो लड़ाई पे जाता है, अगर उसके पास हथियार नहीं है तो वो मारा जाएगा, दुश्मनों से मार देगा। ये वचन एक हथियार है। बोलो क्या ये वचन एक हथियार है। यहां पे पिछले संडे एक सिस्टर आई थी, बिल्कुल न्यू थी, नई थी। उसके पास बाइबल थी और उसने बिल्कुल शायद फर्स्ट बार आई थी, तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई दुष्टात्मा की। तो मैंने एक वचन कहा, मैंने कहा वचन पढ़ो। क्या पढ़ो बोलो? मैंने कहा वचन पढ़ो। तो उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मैंने कहा ये बाइबल रखी इसने, ये कहती मुझे पढ़ना नहीं, कॉपी पेन सब ऐसे, कॉपी पेन बाइबल उसके पास थी। मैंने कहा ये वचन पढ़ो, कहती मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं हैरान हो गया, बोलो क्या है? अब यहां पे पढ़े लिखे बैठे, अगर तुम पढ़ना जानते हो तो तुम अपना हथियार, क्योंकि बाइबल आपका एक हथियार है। अगर आपके पास ही नहीं है तो जीतोगे कैसे? फिर मुझे बताओ कैसे अपनी मुश्किलों से के ऊपर जो भी आप चाहते हो कैसे जीत प्राप्त करोगे? जो चाहते हो कैसे होगा फिर? हाँ, कैसे जाओगे वहां पे? बड़ी चाहत है कि उस देश में प्रभु लेकर जाए, ये काम खोले, हाँ आर्मी में भर्ती करे, ये जॉब दे, वो बिजनेस चलाए मेरा, तो कैसे होगा? इस चीज से मुझे ब्लेस करे, ये काम करे, इस रोग से मुझे चंगा करे, मेरे घर में कलेश है, मेरा बच्चा नशा करता है, मेरा पति नशा करता है, मतलब समस्याएं तो बहुत हैं, पर जीतोगे कैसे? कितने मेरी बात समझ रहे? कैसे जीतोगे? बोलो क्या है? कैसे जीतोगे? मेरा कई लोग घर में ना, पांच लोग हैं, चार हैं, तो उनके पास एक ही बाइबल है। मेरी बाइबल अपनी है, मेरी मिसेज की अलग है, मेरे बच्चों की अलग है, ऐसे नहीं है एक ही से क्या कर रही है। जब शादी ब्याह आती तो सब कहते मैं दोस्त लाने हैं, मैं उधर भी वो पाना चूड़ियां ते वखरा पाना सूट, वो वखरा पाना है, बेजती करवानी उत्थे, हाँ लोग आखणगे कोई नहीं है, तुम कर्जा चुक लो। जब वारी परमेश्वर की आती है तो बोलो है नहीं है, की करिए? एक तीन साढ़े 300 का वचन है, उसको भी लेने के लिए हम सोच रहे, तो परमेश्वर लाखों की करोड़ों की बरकतें कैसे दे देगा आपको? 300 का एक वचन है, हाँ 50 रुपए की डायरी है, 10-20 रुपए का पेन है, तुम उसके लिए सोच रहे हो तो लाखों करोड़ों की बरकतें वो कैसे तुम्हें देगा? मुझे बताओ, बताओ मुझे कैसे देगा? तुम्हें अपनी आदतों को भाई छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन भी कहता है जिससे परमेश्वर ब्लेस करता है आपको उन बातों को ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे अपने क्यों बैग में कॉपी पेन सब किताबें लेकर देते हो? खाली बैग दिया करो। कितने मेरी बात समझ रहे? खाली बैग दिया करो ना, क्योंकि इतनी तो बुद्धि एक अनपढ़ बंदा भी रखता है। जब तुम ऐसा मन, ऐसा चाहत, ऐसा दिल रखोगे तो देखना तुम कितना ऊंचा जाओगे। जाओ करके देख लो। मैंने कहा करके देख लो, करके नहीं है तो करके देखो। आमीन।